करूं। यस तो आइए अब बात करते हैं अगले त्रिकोण, काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण में बृहस्पति को तीसरे, सातवें, ग्यारहवें भाव से संबंध रखेगा। काम भाव में बृहस्पति इन तीन भावों में किसी भी भाव में बैठा हो तो उसकी पंचम एवं नवम दृष्टि बाकी दो भावों में आ जाती है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। जीवन साथी के भाग्य का भाव भी इसी से जुड़ा होता है क्योंकि सप्तम से ये नवम है। टाइम तो ऐसा जातक अपने भाई बहन से बहुत प्रेम करने वाला, अच्छा लेखक, अच्छी सोच और थोड़ा फिलोसफिकल होता है। यानी ऐसे लोगों की सोच जो होती है वो गहन चिंतन वाली होती है। हाँ थर्ड हाउस कम्युनिकेशन हाँ, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है। तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी का ख्याल बच्चों की तरह रखता है। उसकी देखभाल, उसकी फिक्र, अपने जीवन साथी के लिए वो ऐसे फिक्र करता है जैसे कोई अपने बच्चे की करता है कि पता नहीं मेरे पार्टनर कहीं बाहर जाएगा, उसको कुछ हो ना जाए, उसका हाथ पकड़ के चलना। बहुत लोग देखा होगा सड़क पे चलते हैं, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो वो ऐसे लोग अपने पार्टनर की फिक्र बच्चों के समान करते हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो शादी विवाह में दिक्कत उनके लिए आ सकती है जिनकी स्त्रियों का कारक है बृहस्पति। यहाँ फिर से वो कारको भाव नाशाएं दे सकता है क्योंकि ये बड़ा ग्रह है और शनि के बाद धीमा चलता है, तो विवाह में देरी भी करा सकता है और स्पेशली स्त्रियों के विवाह में देरी कराता है। उनके विवाह का कारक होने से यहाँ कारको भाव नाशाएं का नशा है। दोष लगाता है। बृहस्पति की दृष्टि जीव दृष्टि है तो बृहस्पति वस्तुओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के देता है। तो एकादश से सप्तमेश का संबंध होने से विवाह को भी एक से अधिक कर सकता है यदि सप्तम का संबंध एकादश भाव से हो। यानी 3, 7, 11, क्योंकि काम भाव है। काम भाव में बैठ के अगर बृहस्पति आपकी काम वासना को बढ़ा देता है और खुद पीड़ित होता है तो ऐसा व्यक्ति एक से अनेक संबंध या एक से अधिक विवाह कर सकता। इनका ड्यूअल साइन में होने से तो ये एक से अधिक विवाह होते ही हैं। यदि मीन राशि हो या एकादश भाव में मीन राशि हो और वहां बृहस्पति बैठा हो तो उसको बढ़ा देता है। तो यदि तृतीयेश, सप्तमेश, एकादश का बृहस्पति से संबंध हो तो एक से अधिक विवाह या प्रेम संबंध दे सकता है। और यह भी सत्य है कि एक बार विवाह हो जाने पर व्यक्ति धर्म के अनुसार विवाह का पालन करता है। यह विवाह टूटने भी नहीं देता है जब तक कि पीड़ित, यानी बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर बिल्कुल भी वह विवाह नहीं टूटने देता, उसमें कलह देता है। हालांकि हमें इसके लिए नवांश को जांचना बिल्कुल अति आवश्यक। काम त्रिकोण में बृहस्पति विशेष देखेंगे तो यह आपके पूर्व जन्म का भाव सप्तम और भाग्य एकादश, या पूर्व जन्म का भाव एकादश और भाग्य तृतीय भाव हो जाता है। यानी आपकी इच्छाओं की बढ़ोतरी कभी भाई बहनों के लिए या पत्नी के लिए, जो आपके पंचम, बृहस्पति की पंचम दृष्टि अनुसार तय होगी। और पूर्व जन्म के अनुसार भाग्य आपको कहाँ पर बड़ा बनाता है, यानी कहाँ पे वो नवम हो जाता है वहां भाग्य आपको बड़ा बना देता है। साथ ही तृतीय भाव से पंचम दृष्टि और एकादश से नवम दृष्टि जो सप्तम पर आती है तो आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध पूर्व जन्म के कर्म से, क्योंकि एकादश से वह आपके पूर्व जन्म के कर्म पर सप्तम भाव से दृष्टि डालता है और भाग्य से जोड़ती है, जो आपके संबंधों को अटूट बढ़ाती है, जिसको तोड़ने से बचाने में वो सहायक होती है। बशर्ते आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हो। यहाँ ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो गुरु है, जो बृहस्पति है, वह सम्मान चाहता है। तो सम्मान का भाव यदि होगा तो वह विवाह कभी नहीं टूटेगा। तीसरे भाव से वैसे भी बृहस्पति धर्म भाव को देखता है तो धर्म को बढ़ाता है, धर्म के लिए कार्य करवाता है। और 11वें भाव से उसकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो ऐसे व्यक्ति विद्या की ओर बहुत ज्यादा बढ़ते, उनकी संतान बहुत अच्छी होती है, संतान के गुण बहुत अच्छे होते।
बृहस्पति की सबसे अच्छी दृष्टि अगर हम देखें तो एकादश भाव से है, क्योंकि वह पूर्व जन्म के कर्म के भाव को भी देखता है और आपके छोटे भाई बहनों को भी देखता है और बड़े भाई के भाव में बैठकर वह पिता के रोल को भी निभाता है, छोटे भाई बहनों के लिए, अपनी पार्टनर के लिए भी वह उसी सम्मान तरीके से उसके लिए सम्मान भी करता है और उसका ख्याल भी रखता है। यहाँ पे एक चीज और है कि बृहस्पति जिन जिन ग्रहों भावों का कारक है उनके लिए वह शुभता ज्यादा देता है, जैसे यहाँ सप्तम भाव का कारक है तो सप्तम भाव को वो बढ़ा देता है, उसकी शुभता को बढ़ा देता है। अदरवाइज तीसरा और ग्यारहवा भाव त्रिक भावों में आने से वहां भी थोड़ी शुक्र की राशियां अगर लगन में हो तो दिक्कत कर जाता है, क्योंकि उनके लिए वह त्रिक में हो जाता है। मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति हो तो कुंडली के जो चौथा आठवां और बारहवां भाव मोक्ष का भाव है उनमें बैठा हुआ बृहस्पति बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र में सुख और माता का स्थान है, केंद्र में चौथे घर में वहां का ये कारक है। काल पुरुष कुंडली अनुसार यहाँ कर्क राशि होती है जहां बृहस्पति उच्च के होते हैं, और साथ ही धनु या मीन राशि अगर यहाँ हो, कर्क राशि हो या धनु मीन हो, तो शुभ हंस योग का निर्माण भी करते, तो ऐसे जातक की पढ़ाई जो उसके दशम भाव से संबंधित हो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सातवीं दृष्टि उसके दशम भाव की होती है तो कर्म भाव को बहुत बढ़ा देती है। ऐसे जातक सादा जीवन उच्च विचार पर चलने वाले होते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है और अष्टम भाव छिपी हुई बातों का भाव है, या कहे गूढ़ ज्ञान का भाव है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान देती है, जिंदगी के बारे में उसके अनुभव अन्य व्यक्तियों के अनुभव से ज्यादा जल्दी और छोटी उम्र में हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने चेहरे से दुख को प्रकट नहीं होने देते और ना ही दुख या अपने साथ घटित दुखद बातों को शेयर करना पसंद करते हैं, ना ही वो शेयर करते हैं। एक चीज और मैं कहूंगी, ऐसे व्यक्तियों के मन में हमेशा जीवन और मृत्यु से संबंधित प्रश्न भी उठते रहते हैं। अष्टम से संबंध अगर बृहस्पति का हो तो उसके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, इस दुनिया में मुझे क्या करने के लिए आया हूँ। चाहे वो अष्टम में बैठा बृहस्पति हो, चाहे वो द्वादश में बैठा बृहस्पति हो, तो छठे भाव में यदि बृहस्पति हो तो मोक्ष त्रिकोण में जो आ जाता है अष्टम भाव में जो बृहस्पति हो, तो जीवन मृत्यु से संबंधित बातों की जानकारी चाहते हैं, क्योंकि अष्टम मृत्यु का भाव है। जिंदगी के बारे में ऐसे व्यक्तियों का नजरिया औरों से हटके होता है। जिन जातकों का संबंध बृहस्पति अष्टम से रखता है ऐसे जातक अक्सर जिज्ञासु, ऑकल्ट साइंस में रुचि रखने वाले, ज्योतिष के ज्ञान में रुचि रखने वाले और रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं, और पीएचडी करने वाले लोगों का भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है जिनका अष्टम से संबंध रखता है, क्योंकि वो खोजी है। गुरु यदि उस भाव की तरफ जा रहा है यानी वह आपको अंधेरे में से ज्ञान की ज्योत देता है, अंधेरा है आपका अष्टम भाव, तो ऐसे लोगों को ठीक से समझना या ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का बचपन भी थोड़ा कष्टमय होता है, या बृहस्पति के उनके जीवन में बृहस्पति की महादशा जब तक नहीं आती तब तक उनके जीवन में एक भटकाव रहता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली अनुसार नवम भाव से बारहवां भाव अष्टम है और बारहवां भाव स्वयं वहां का स्वामी है बृहस्पति, यहां से फिर अष्टम को देखता है, तो उन्हें मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन क्या है उसके बारे में अक्सर उनके मन में सवाल उठते हैं, और शायद कुछ लोग अंतिम पड़ाव में जीवन के इन गूढ़ बातों का अर्थ शायद समझ भी जाते हैं। डिपेंड करता है कि उसके जीवन में बृहस्पति की दशा कब है। नवम दृष्टि व्यय के भाव पर होने से वह अपने खर्चों पर व्यय पर नियंत्रण पिता के समान रखते हैं, कि एक पिता जैसे खर्च करने से पहले सोचता है कि किस
काम के लिए खर्च करना है, उस पर नियंत्रण कैसे रखना है, तो वह उन पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पैसे से मोह ज्यादा नहीं होता। ये क्या करते हैं, पैसा खर्च तो करते हैं, उसका हिसाब नहीं रखते, यानी गिनकर पैसे नहीं रखते, उसको जितना मिला वैसे ही रख लिया। अक्सर देखा है कुछ लोग पैसे लिए और रख लिए, उनको जैसा मिला वैसा रख दिया, मतलब गिनके नहीं रखते। तो जब जितना जरूरत हो खर्च कर लिया, और इनकी जरूरतें भी ऊपर वाला अपनी कृपा से पूरी कर ही देते। तो पैसा ना होने पर भी इनको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं थी, या बोलो इन्हें मोक्ष भाव में बैठ के पैसे का मोह नहीं होता, तो इन्हें सुख ही सुख नजर आता है, कहीं भी दुख नजर नहीं आता। तो इसमें विशेष यह है कि द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, मोक्ष त्रिकोण का एक कोण भी है। यहाँ बैठा बृहस्पति व्यक्ति को मोक्ष की ओर धकेलता है। ऐसे लोग भौतिक सुखों से खुद को दूर रखते हैं, भौतिक सुख में कह रही हूं, कामकाज वो पूरे धर्म के अनुसार करते हैं। तो बारहवें भाव का बृहस्पति का संबंध यदि अर्थ या काम त्रिकोण से जुड़ जाए तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, क्योंकि एक तो उसका सिक्स हाउस से संबंध है, यानी कामकाज करना है, लेकिन पैसे का मोह नहीं है, केवल काम करना है, पैसा नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। तो चौथे भाव से वो बारहवें में जा रहा है, यानी सुख का व्यय भी हो रहा है, या व्यय उठ के सुख में चला गया। यहाँ आप देखें काल पुरुष अनुसार बारहवें का स्वामी सुख में आ जाए, यानी व्यय आपका यहाँ चौथे भाव में सुख के भाव में आ गया। एक तरफ तो मोक्ष है और एक तरफ सुख है, तो जब तक जातक अपने दुख सुख के भाव से ऊपर नहीं उठ जाता, उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से माता और पूरे घर का ख्याल रखते हैं, यानी माता का बच्चों के समान ख्याल रखते हैं। माता पिता के प्रति पूर्व जन्म का कर्जा इन्हें चुकाना होता है, क्योंकि बारहवें भाव से यह पूर्व जन्म का भाव बन जाता है, इनका पिछले जन्म का माता से संबंध बन जाता है। तो ऐसे लोग जो है घर से अक्सर दूर रहते हैं, जिनका चतुर्थ भाव का यह भाग्य, क्योंकि चौथे से बारहवां इनका भाग्य, माता से दूरी इनका भाग्य होता है। तो चतुर्थ भाव की पीड़ा इन्हें घर और माता से दूर रखती है। लेकिन कई बार ये भी है, यदि अष्टम भी बृहस्पति हो और यहाँ पे इसकी दृष्टि नौवीं दृष्टि होने से माता इनका ख्याल बच्चों के समान रखती है, या माता से ये छिपकर पैसे भी ले सकते हैं, यानी अपने ख्याल रखने के लिए भी अष्टम, क्योंकि परिवार भाव पर सातवीं दृष्टि डालता है, तो परिवार से ये पैसा ले सकते हैं, या इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, ये कहूंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे बृहस्पति के विशेष। तो आपको बता ही दिया कि अष्टम भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि, द्वादश भाव पर होने से पूर्व जन्म के कर्मों का फल, नवम दृष्टि चतुर्भाव होने से आपका भाग्य, परिवार से छिपकर रहे या परिवार से दूर रहे, लेकिन परिवार का ख्याल रखें, और यह कार्य आपके द्वारा हो रहा है इसका किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अष्टम भाव चंद्रमा की पीड़ा से ऐसा हो सकता है। जी मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो मेरी ऑलरेडी आपके साइट्स पे पीपल कैन गो एंड चेक आउट द यूट्यूब मैम जी का, जहां पे उन्होंने एकदम विस्तार से इन सब दृष्टियों के बारे में बात की है। जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मैम। पीपल आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैं जानना चाहूंगी लोगों से कि वो किस और किस चीज पर चाहते हैं कि मैं उनको ज्ञान दूं या कुछ बोलूं। अगर उनका कोई भी क्वेरी हो आप बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रेडी। जी मैम, कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कमेंट्स, देख लेंगे जैसे भी। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम, सी यू। थैंक यू।